नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग विभाग द्वारा 15 दिन की मासूम को बेचने वाले एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री उड़ान दस्ते को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एनजीओ संस्था की संचालक हिना माथुर और उसके साथी पवन शर्मा गरीब परिवारों से संपर्क करते थे। बाद में अच्छी परवरिश कराने का झांसा देकर 1 से 2 लाख रुपए में नवजात शिशुओं को बेच देते थे। बता दें कि ये गिरोह अब तक कई नवजात बच्चों को बेच चुका है। कल सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद को एक सूचना मिली कि कोई महिला हैं, एक पुरुष हैं, वो बच्चा जो है अडॉप्ट करवाने की बजाय बेच रहे हैं। तो इस पर हमने अपना एक डमी पेरेंट्स तैयार करके हमारे सीएम फ्लाइंग की टीम से और वहाँ पे भेजा उनको उस बच्चे को खरीदने के लिए। और फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने 1 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया और बाद में बल्लभगढ़ सेक्टर 2 में वो बच्चा उन्होंने शाम के टाइम उनको दे दिया, जिस पर वो दोनों पकड़ लिए गए। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्योंकि डीसी साहब की तरफ से तैनात था तो उसमें फिर FIR दर्ज कर ली गई है। दोनों अरेस्ट हो गए हैं और बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढ के उनको देने के लिए वो वहाँ बल्लभगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया। किस वजह से दिया? तो देखो भाई साहब, हम हैं गरीब आदमी, तो कह रहे थे हमारे 19 वार्ड में 3-4 मकान है, हमारी फैक्ट्री है, वहाँ से इनके बढ़िया परवरिश हो जाएगी, पालन पोषण के लिए दिया आपने। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो उनने वो भाई साहब हमसे लेके गए, वो कह रहे थे कि हमारे पत्नी के 18-19 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप दे दो। भाई साहब का बहुत एहसान होगा, 10-12 दिन से हमारे घर पे आ रहे थे, हमारे हाथ पाँव जोड़ रहे थे, ये बात थी। तो भाई साहब देखो, हमने अपने थोड़ा दिल पे कठोर करके उन्हें दे दिया, चलो अच्छे से परवरिश हो जाए, हम भी गरीब आदमी, 3-3 छोरी हैं, कहाँ शादी ब्याह करेंगे, कहाँ से पढ़ाई लिखाएंगे। कल शाम को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद हरियाणा द्वारा एक 15 दिन की छोटी बच्ची का सौदा उत्तर प्रदेश की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी घनाराम के ठिकाने पर सुबह 5 बजे से आयकर विभाग यानी IT की छापेमारी चल रही है। झांसी, कानपुर, नोएडा और लखनऊ में टीमें पहुंची। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी समाजवादी पार्टी के नेता श्याम सुंदर यादव और उनके भाई बिशन सिंह की है। झांसी में घनाराम कंस्ट्रक्शन का कॉरपोरेट दफ्तर है। झांसी के सिविल लाइन स्थित दफ्तर और आवास पर इनकम टैक्स की टीम रेड कर रही है। यहाँ 8 जगहों पर टीम दस्तावेज खंगाल रही है। लखनऊ में बताया जा रहा है कि 2 पर छापेमारी इनकम टैक्स की टीम कर रही है। लखनऊ के अलावा नोएडा और दिल्ली में भी यूपी से जुड़े 2 रियल एस्टेट कारोबारी के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। फिलहाल अभी तक आयकर विभाग के किसी अधिकारी का बयान नहीं आया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां AMU के इस्लामिक स्टडीज विभाग में अब सनातन धर्म की शिक्षा भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को दी जाएगी। बता दें कि इस्लामिक स्टडी विभाग में एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है जिसका नाम कंपैरेटिव रिलीजन है, जिसमें अब यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को सनातन धर्म भी पढ़ाया जाएगा। हम आपको रोजे अव्वल बता दें कि थियोलॉजी डिपार्टमेंट पिछले 50 साल से कंपैरेटिव स्टडीज को पढ़ा रहा है, बहुत शिया एंड सुन्नी डिपार्टमेंट थियोलॉजी के, तो ये कोई चीज नई नहीं है। अब इसी चीज कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है, अभी प्रोसेस में है, कि MA कोर्स में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बीते 26 जुलाई को हुई बैंक फ्रेंचाइजी संचालक की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फ्रेंचाइजी संचालक की हत्या 9,000 रुपए के लिए हुई थी, तो वहीं पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही में जुट गई है। यह थाना कोतवाली देहात में 28 जुलाई को एक अपराध पंजीकृत किया गया था, 370/22 अंडर सेक्शन 302, 364, 201 IPC का। इसी संबंध में आज अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 अभियुक्त हैं, एक पिंटू उर्फ तेज बहादुर है जो कि चांदा क्षेत्र का रहने वाला है, और एक नंदलाल निषाद है, वो भी एक वहीं का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। खबर बता
बदायूं से है, जहां मिसौली कोतवाली से चंद कदम दूरी मंडी गेट पर दिन दहाड़े बाइक सवार दो लुटेरों ने तमंचे के बल पर बाइक सवार गल्ला व्यापारी से लूटपाट की कोशिश की, जिसके बाद रकम छीनने की कोशिश के दौरान व्यापारी की बाइक पर बैठा साथी घायल हो गया और मौका मिलते ही बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। ये हम आ रहे थे मंडी के लिए जी, मोड़ पे जी, जैसे मोड़ पे घुसने जा रहे थे मंडी के लिए जी, तभी दो आदमी थे मोटरसाइकिल पे जी, और दोनों पे तमंचा थे जी, और दोनों ने लग गए हमारे पीछे तमंचा निकाल के जी, और हम तो हमने कब्जा कर लिया तो गिर गए और चोट भी आई है। आपके ना हमारे साथी की खबर बुलंदशहर से है, जहां बिजली के मोटर उखाड़े गए और पावर कॉर्पोरेशन के अफसरों को सौंपे गए। बता दें कि पावर कॉर्पोरेशन ने किसानों के ट्यूबवेल पर बिजली के मोटर लगाए थे, जिसका किसानों ने अभियान चलाकर ट्यूबवेल से बिजली के मीटर उखाड़ दिए, साथ ही पावर जेई और एसडीओ को बंधक भी बनाया और आश्वासन के बाद अफसरों को बंधन मुक्त किया गया। ये मीटर 100 मीटरों के लगभग हैं और इनको उखड़वाया गया है, इसलिए उखड़वाया गया है कि इन मीटरों से ज़्यादा बिल आ रहा है। जो फिक्स रेट होता था 884 रुपये, इनसे 5-6 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। सरकार ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि हम किसानों को फ्री बिजली देंगे, सरकार पूर्ण बहुमत में आ गई, लेकिन सरकार ने फ्री बिजली नहीं दी, ऊपर से मीटर और लगा दिए, मीटर लगा के किसानों की कमर टूट हुई। देवरिया जनपद के ग्राम सवरेजी खां में एक दिव्यांग के कुछ दिनों पहले बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद दिव्यांग राकेश कुमार चौबे ने जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध ज्ञापन देकर गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही दिव्यांग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो आत्मदाह कर लेंगे। एक गैंगस्टर एक्ट का अपराधी बबीस चौबे है, जो थाना रामपुर और महुआडी में वांछित है। उसने हमें 29 तारीख की रात को उसका पूरा परिवार एकजुट होकर बहुत मार मारा है, जिसमें मेरे हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और उसको पुलिस प्रशासन महुआ डी ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है और खाली टोल मटोल और बहानेबाजी कर रही है उसको। मेरी धारा और दिव्यांग एक्ट अधिनियम की धारा में उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त है। हम सभी लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि राकेश चौबे जी के साथ कुछ मनबर टाइप के लोग हैं, जो उन्होंने इनको गोल बंद होके 5-7 लोगों ने कुदार के बेट और लाठी डंडे से इनको पीटा है। तो इनको पीटने के बाद उनकी गिरफ्तारी, जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उनके ऊपर दिव्यांग अधिनियम 2016 की धारा लगाई जाए और उसमें उनका मुकदमा दर्ज हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। खबर अयोध्या से है, जहां रौनाही के मुस्लिम इंटर कॉलेज में हिंदू बच्चों और मुस्लिम बच्चों में विवाद के बाद हिंदू छात्रों पर की गई कार्यवाही से नाराज अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंसाचार्य ने रौनाही में कूच करने की कोशिश की। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद डीसीपी ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ मौके पर नियंत्रण किया। जनपद अयोध्या के रौनाही में एक मुस्लिम के द्वारा बनाया गया विद्यालय, जिसमें मुगल आक्रांताओं की प्रशंसा की जा रही थी, उसमें दो देशभक्त बच्चे थे, उनको अच्छा नहीं लगा तो वो महाराणा प्रताप की चर्चा करने लगे, तो उनको विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। ये जैसे ही मुझे समाचार मिला मैं बड़ा आहत हुआ। अभी तक मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि संतोषजनक कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। जैसे ही मैं निकलने लगा तो प्रशासन ने बताया कि उस पर जाँच चल रही है, मुकदमा लिखा जा चुका है और इस पर जो भी कार्रवाई बनेगी संवैधानिक को की जाएगी। देखिए, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो बातें हैं उसके संबंध में ऑलरेडी पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जा चुका है, साथ ही साथ प्रशासन द्वारा प्रशासनिक स्तर पर जांच कमेटी बैठा करके कार्रवाई की जा रही है। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निस्संदेह जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। किसी भी प्रकार की कार्रवाई में कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी और महाराज जी को मैंने यह आश्वासन दिया है कि जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी हम लोग द्वारा उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से की जाएगी।
खबर बलिया से है, जहां नगरा थाना क्षेत्र से एक लड़की के गैंग रेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले पर एएसपी का कहना है कि कल थाना नगरा से एक दुष्कर्म के संबंध में चार लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर चार अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक दुष्कर्म के संबंध में चार लोगों के विरुद्ध तहरीर थाने पर प्राप्त हुई, जिसमें 30 तारीख की घटना बताई गई है। तत्काल पुलिस ने उस प्राप्त तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल और 164 की जो अन्य कार्रवाई होनी है वो कराई जा रही है। जो नामित चार अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। ये चारों अभियुक्तों में जाँच में ये आया है कि ये सभी पीड़िता के गाँव के हैं, जिसमें से दो लोग उसके खानदान के ही हैं जो उनके चाचा लगते हैं। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को राहत मिली है, जहां पीयूष जैन की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर हुई थी और छापेमारी में 196 करोड़ कैश, 32 करोड़ के गोल्ड बरामद हुए थे, जिसके बाद पीयूष जैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं अब गोल्ड और कैश बरामदगी मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए पीयूष जैन को जमानत दी है। हमारा देश आजादी का 75 वर्ष मनाने जा रहा है और इस अमृत महोत्सव को सभी भारतीय एक बड़े त्योहार के रूप में मनाने के लिए उत्सुक हैं। वहीं आज गाजियाबाद के माननीय सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन ने सभी सांसदों और मंत्रियों, संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर लाल किले से इंडिया गेट तक तिरंगा यात्रा निकाली। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।